या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुनिए, दवाई छिड़क के पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं क्या? आज आपकी शादी की सालगिरह है, इसलिए आपकी और आपकी पत्नी की भलाई के लिए आपके पिताजी ने पूजा करवाई है। ओम शांति। आज मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए ऑफिस नहीं आ सकता। बार बार फोन कर मुझे तंग मत करो। ए, तुमसे कहा था ना माला तैयार रखना। चंदू को भेजा लाने के लिए। चंदू को? डैड, हमारी शादी इतनी धूमधाम से करवाई थी तो फिर आज कंजूसी क्यों? आप किसी बड़े होटल या लॉन में ये फंक्शन रखवाते, ऐसे ही घर में ये सिंपल फंक्शन। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा था जैसा तू सोच रहा है कि किसी 5-स्टार होटल में फंक्शन रखा जाए। अगर वहाँ किया तो तुम ही कहते कि क्या रेडी, इस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, आप घर पर भी तो कर सकते थे, सादा सिंपल, इसीलिए यहाँ किया। डैड, अग्रीमेंट पूरा करके प्रिया आज अपने घर जाने वाली है, उसकी विदाई का फंक्शन है, धूमधाम से ही होना चाहिए। जितनी शान से आप प्रिया को इस घर में लेकर आए थे वैसे ही आज विदा कीजिए। देख बेटे, आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम्हें खुश होना चाहिए। कहाँ तू उस 1 साल के अग्रीमेंट के चक्कर में पड़ा है, अरे फाड़ के फेंक दे उसे। आपने मजाक समझा, पर प्रिया के सिग्नेचर के साथ साथ आपके भी लेने चाहिए थे। आप इस अग्रीमेंट के बारे में पहले से जानते थे, अब आप पलट क्यों रहे हैं? नहीं, मैं उस फालतू के अग्रीमेंट के लिए इसलिए तैयार हो गया था कि प्रिया तुम्हें प्यार करना सिखाएगी। तुम मेरे पास आओगे और कहोगे कि डैड, प्रिया मुझे इसी जन्म में ही नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों तक अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। अब इन 7 जन्मों के फेरे में तुम्हारा ये अग्रीमेंट कहाँ से चला आया? अब तुम उसे वापस भेज रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया है? What's wrong with you, Vijay? उस लड़की में कभी क्या है? डैड, डैड, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि प्रिया समझदार है, दिल की साफ है, उसमें कोई कमी नहीं है, पर मैंने कभी एक पल के लिए भी उसे पत्नी जैसा नहीं माना। डैड, अरे तुमने उसके साथ 1 साल गुजारा है फिर भी उसे अपनी बीवी नहीं मानते, आखिर इसकी वजह तो बताओ। इसकी वजह तो मैं भी नहीं जानता हूँ डैड, पर इस रिश्ते को जिंदगी भर निभाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। लोग झगड़ों की वजह से बीवी से अलग होते हैं, शक की बुनियाद पर अपनी बीवी को छोड़ते हैं, पर तुम अकेले हो जिसके पास अलग होने की कोई वजह नहीं है और तुम्हारे जैसा दूसरा कोई होगा भी नहीं। देख विजय, 1 साल, पूरे 365 दिन और दिन के 2400 घंटे जिसके दिमाग में तुम्हारे अलावा किसी और आदमी का ख्याल भी नहीं आया हो, उसे तुम जस्ट लाइक दैट कितनी आसानी से उसे घर से बाहर भेज देना चाहते हो, तुम्हारे दिल को जरा भी दुख नहीं हो रहा? आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स डैड, हमारे अग्रीमेंट के मुताबिक प्रिया अपने घर जा रही है, इसमें मैं क्यों दुखी होने लगा? जिसमें फीलिंग ना हो वो मुर्दा होता है, डेड बॉडी जैसा। आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, पता नहीं मैंने क्या पाप किए होंगे जब तुम जैसा बेटा पैदा हुआ। विजय, दुनिया में चाहे जितना बड़ा भी जुर्म कर लो उसकी सजा से बच सकते हो, लेकिन लेकिन इस बेगुनाह लड़की का दिल दुखाकर तुम नर्क भोगोगे। सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। देख विजय, इसे अपने घर से बाहर मत निकाल, मैं भीख मांगता हूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप बिना बात के कोई टेंशन लेंगे तो मुझे भी टेंशन हो जाएगी। देखिए, आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, आप आराम कीजिए। विजय, समझदारी से काम ले। सुनिए जी, वो आज हमारा एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो जब भी आप कहें मैं आपके इस घर से अपने मायके चली जाऊंगी। थैंक्स प्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा कि तुम भी डैड की तरह ना जाने के लिए अड़ी रहोगी, पर एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। थैंक्स, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो फिर हाँ, मैं चलती हूं। ओके ओके। ओ, प्रिया, तुम्हें इस घर से जो भी ले जाना हो ना तुम ले जा सकती हो, बेझिझक। ओके, अब देखो अपनी कोई चीज भूल मत जाना, जाओ तुम तैयार हो जाओ। Thank you.
काका, ये बीबी की दवा पापा को देते रहना रात के खाने के बाद। जब भी वो रात को ड्राइव करें, हमेशा उनके साथ रहना। जी। मैं जा रही हूँ सर। सर नहीं बेटे, पापा। अग्रीमेंट के मुताबिक अब मैं आपकी बहू नहीं रही सर, तो भला मैं आपको पापा कैसे बुला सकती हूँ? I'm sorry. आपकी परमिशन हो तो मैं इस मंगलसूत्र को साथ ले जाऊं। बेटा प्लीज सर। बेटा आशीर्वाद। खुश रहे बेटा, खुश रहे। प्रिया, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। डैड, मैं रात को देर से आऊंगा। प्रिया देखो ना, टाइम कितनी तेजी से गुजर गया, और देखते ही देखते हमारी शादी को भी एक साल पूरा हो गया। पर इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। प्रिया, तुम मेरी बीवी की तरह बहुत कम वक्त के लिए रही, पर हमारी फ्रेंडशिप हमेशा के लिए रहेगी, मेरा वादा है। प्रिया क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम रोज जितनी खुश लगती हो उतनी खुश नहीं लग रही। किसी ने कुछ कहा? तबीयत खराब है? तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं मैं? यही यही प्रिया, तुम्हारी स्माइल मिस कर रहा था, अब ठीक है, चलता हूं। और प्रिया, देर रात तक भूखी रहकर तुम मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, अपना ख्याल रखना। प्रिया, दामाद जी घर में क्यों नहीं आए? ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू, वो भी आज के दिन? आज सिर्फ मेरी शादी की सालगिरह नहीं है माँ, बल्कि उनके साथ मेरा आखिरी दिन था। ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने मुझे सिर्फ एक साल के लिए बीवी बनाने का अग्रीमेंट किया था। एक साल की शादी? ये कोई नया फैशन है शादी करना? उसने कोई मजाक समझ लिया था क्या? कुछ नहीं रहा माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी तुम्हारी बेटी ही हूँ, किसी की बीवी नहीं मां। कॉफी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी ठंडी हो जाएगी। ये क्या है? बिल्कुल गर्म पानी लगता है। प्रिया की बनाई कॉफी टेस्ट नहीं किया आपने? इसमें उसका टेस्ट नहीं है। तो मैं क्या करूं? अगर मैं अच्छी कॉफी नहीं बना सकता, तुम्हें संभाल नहीं सकता, तो अपनी बीवी को ले आओ। क्या कहा तुमने? प्रिया को मायके क्यों भेजा? प्लीज आप ये ले जाइए। मेरी कॉफी तो गर्म पानी जैसी लगती है ना, तो मुझे भी घर वापस भेज दो। जब प्रिया को अपने घर वापस जाने में कोई एतराज नहीं था, तो इन्हें इतनी तकलीफ क्यों? डैड, डैड, मेरे बाथरूम में हीटर काम नहीं कर रहा है, जरा आकर देखिए। सर, मैं आपका बाप हूं सर, प्लम्बर नहीं। हीटर खराब है, पानी नहीं आता, ये शिकायत यहां मत कीजिए। बस हीटर चेक करने के लिए कह दिया तो मुझ पे इतना भड़क रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। हाउ आर यू? तुम्हारी याद में जी रही हूँ। हाँ सर, हाँ मैं आ रहा हूँ सर। तुम्हारे डैडी का फोन था, मुझे फैक्ट्री पहुंचना है। अंकल थोड़ी देर तो रुक जाइए, मैं लंच तक आ जाऊंगा। सौम्या, तुम विजय के साथ ही रहना। ओके ओके, एंजॉय योरसेल्फ, आई विल बी बैक। ओके। यस, इसी की तो जरूरत थी, सुबह से दिमाग खराब हो रहा है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों बिगड़ा है? डैडी मेरी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं विजय। हमारे इंडियन माँ बाप की यही एक प्रॉब्लम है। तो क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? अभी इतनी जल्दी तो नहीं करना चाहती हूँ। दरअसल मैं शादी में मानती ही नहीं हूँ, शादी के बंधन में बंधकर फ्रीडम ही खत्म हो जाती है। गुड, मेरी भी यही राय है, बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो। आई लाइक यू। क्या कहा तुमने? आई लाइक यू यार। हमारी कंपनी की पोजीशन अभी ऐसी है
कि हम नए लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। तुम्हारा एक्सपीरियंस देखने के बाद मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूँ। थैंक यू सर। वो देख, साड़ी में सती सावित्री आ रही है। साड़ी पहनकर कोई लड़की शरीफ नहीं बन जाती क्या? पैसे के लालच में इसने विश्वनाथ के बेटे के साथ एक साल के एग्रीमेंट वाली शादी की थी। मैं भी ट्राई मारता हूँ। जरा सुनिए तो, तुमने एग्रीमेंट मैरिज किया था? अच्छा तरीका है, मस्त आइडिया है। साला इसमें खर्चा कम और मजा ज्यादा है। वैसे भी लड़की को घुमाने फिराने ले जाओ, सिनेमा दिखाओ और नई जगह ढूंढो, तुम्हारे आइडिया में तो कोई मगजमारी नहीं सच में। अच्छा ये तो बता, 6 महीने के एग्रीमेंट का कितना लेगी और पर मंथ वाला रेट भी बता दे। अरे अपने को तो फरार भी चलेगा। अगर तुम चाहो तो हम सबके लिए एक एक हफ्ता या एक एक दिन फिक्स कर लो, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा क्या? ये गुंडे तो खाली बात करते हैं, मैं काम में विश्वास करता हूँ। चल बोल, कितना चाहिए तुझे? ओ मैडम, ऑटो वाले से दिल भर जाए तो हमारा भी एग्रीमेंट बनवा लेना। अपने दोस्त का घर फुल टाइम खाली रहता है, चाहो तो तुम्हारे घर आ जाएंगे। हाँ मैं विजय बोल रहा हूँ, एक हफ्ते में मेरा अमेरिका जाने का इंतजाम कर दो और जैसे ही टिकट्स बुक हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जीजा जी। ए, शंकर, ये आपने क्या कर दिया? जीजा जी। क्या हुआ शंकर, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? जीजा जी, हम तो ये सोचकर बहुत खुश थे कि प्रिया से आपने शादी उसका चरित्र देखकर की थी, ना कि उसका स्टेटस देखकर। पर आपने तो एक साल का एग्रीमेंट करके उसको मुसीबत में डाल दिया। जीजा जी, आपने तो अमेरिका खेल खेल कर प्रिया को मुसीबत में डाल दिया। जीजा जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? शंकर, शंकर रिलैक्स रिलैक्स। मुझे नहीं पता कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस शादी के अग्रीमेंट के बारे में कुछ पता है या नहीं, लेकिन प्रिया सब जानती थी। मैं जानता था कि बाद में ये बात जरूर उठेगी, इसीलिए मैंने प्रिया को सारी बातें समझा दी थी और उससे कहा था कि एक साल के अग्रीमेंट पर अगर वो राजी हो तभी शादी करे, उसकी रजामंदी पर ही हमारी शादी हुई है। पर हम उस अग्रीमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते जीजा जी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ शंकर, अग्रीमेंट के उस एक साल में मैंने उसे एक रानी की तरह रखा और वो यहाँ खुश भी थी। अग्रीमेंट पूरा होने पर उसने खुद ने कहा कि वो मायके जाना चाहती है, वो मुझे इस हद तक जानती है। पता नहीं क्यों तुम लोग और मेरे डैड इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा सा प्रॉब्लम बनाकर बैठे हो। हाँ, प्रिया के अलावा इस दुनिया में मुझे और कोई नहीं समझता। प्रिया ने ये शादी अपनी खुशी के लिए नहीं की होगी, उसने बहुत ही मजबूर होकर आपकी एग्रीमेंट वाली शादी की होगी। बड़ी बहन का हार्ट प्रॉब्लम था, छोटी बहन की शादी करनी थी, भाई बेरोजगार बैठा था, हमें बचाने के लिए ही शायद उसने मैरिज एग्रीमेंट पर साइन कर दिया होगा। आपके छोड़ने के बाद लोग उसे धंधे वाली समझने लगे हैं जीजा जी। नहीं शंकर, तुम फिर से मुझे गलत समझ रहे हो। आप बिल्कुल गलत नहीं है जीजा जी, पब्लिक गलत है। इस एग्रीमेंट के बारे में जानने के बाद लोग उससे कहने लगे कि एक साल का एग्रीमेंट कर लो, या एक महीने का एग्रीमेंट कर लो, या एक दिन का एग्रीमेंट कर लो, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं जीजा जी। उसे फिर से वापस अपना लीजिए जीजा जी, प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ जीजा जी। उसे बुला लीजिए प्रिया को जीजा जी। Ha 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 ha